बड़ा अच्छा सवाल है। कॉस 179, कॉस 178, डैश डैश डैश, कॉस 3, कॉस 2, कॉस 1, इसका मतलब है मुसलसल सारे एंगल चल रहे हैं 179 से लेके 1 तक, जिनमें कॉस 90 भी आता है। और कॉस 90 किसके बराबर होता है? ज़ीरो के। तो आंसर क्या आ जाएगा? ज़ीरो। फिर 1/cos θ माइनस 1/cot θ, 1/cos θ प्लस 1/cot θ। देखो बहुत सारे एंगल आ जाए ना, खासतौर पर 10 cot, तो सबसे अच्छा है थीटा को 45 मान लो, क्योंकि ऑप्शन में थीटा नहीं है, ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। 1/cos θ, cos 45 1/√2 होता है, 1/1/√2 माइनस 1/cot 45, फिर 1/1/√2 माइनस 1। मैथ्स के रूल कहता है कि ये रूट टू ऊपर चला जाएगा, यहाँ भी रूट टू ऊपर चला जाएगा, यहाँ से रूट टू माइनस 1, यहाँ से रूट टू प्लस 1। रूट टू का स्क्वायर 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1, 1 इज़ योर आंसर। इसी तरह 1+cot θ माइनस cosec θ, 1+tan θ प्लस sec θ। तो वेल भाई यहाँ फिर वही ट्रिक लगाओ, थीटा 45 मान लो, 1+cot 45 यानी 1, cosec 45 रूट टू, 1+tan 45 यानी कि 1 रूट टू। देखो 45 हमेशा तब मानो जब ये मल्टीपल एंगल आ जाए, cot 10 cosec sec। अब ये 1+1 2 माइनस रूट टू, 2 प्लस रूट टू, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस 2, आंसर कितना आ जाएगा? 2, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर।